बता, राम की कितनी बीवियां थी? श्री राम की एक ही पत्नी थी, उनका नाम सीता है, इसलिए उनको सियावर कहा गया है। सियावर का मतलब यह है कि सिया के पति। डंगर, गूगल पे सर्च कर ले, 16,000 दिया हुआ है। अगर तूने मुझे कहीं भी दिखा दिया गूगल पे सर्च करके कि राम की 16,000 पत्नी थी, मैं अभी सनातन छोड़कर इस्लाम में आ जाऊंगा। शो कर रेफरेंस। गूगल पे है ना तेरा पर्सनल एजेंडा होगा। अबे झाटू, ये गूगल ही सर्च किया मैंने तेरे सामने, इसको गूगल ही बोलते हैं। ये क्या है बे, GOOGLE, ये गूगल ही नहीं है, ये गूगल ही है। तू जो इतना उड़ता है, तू अपने ना घर का एड्रेस दे, तेरे को लीगल नोटिस भेजता हूँ। साले सुप्रीम कोर्ट में है ना, जेल में है ना, चक्की पिसिंग करेगा ना, तब तेरे को याद रहेगा। हम बात व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का जोर समर्थन करते हैं। उदाहरण छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है इस्लामिक कल्ट ने एक ऐसी कौम को पैदा किया है जो दो टांगों पर चलती है लेकिन इंसानों के भेस में जॉम्बी है, जिनके सिर में दिमाग नाम की कोई चीज नहीं होती। ये कौम हमेशा अपने आप को सबसे काबिल और सबसे ऊपर समझती है। ये पूरी कौम अरबों के जहनी गुलाम है, अरबों के नाम पर यह कुछ भी कर सकती है, जबकि अरबी इन्हें कुत्तों से भी बेकार समझते हैं। ये कौम अपने आप को दुनिया की सबसे अमन पसंद कौम कहती है, पर दुनिया के अंदर जितना खून खराबा इन्होंने फैला रखा है वो किसी से छुपा नहीं है। इसी कौम के दो जाहिलों ने सिद्धार्थ यानी एक्स मुस्लिम समीर से राम और सीता जी के बारे में सवाल किया। इस सवाल को सुनकर आपको इनकी जहनी हालत का अंदाजा हो जाएगा, मानसिक रूप से कितने बीमार हैं ये लोग। हाँ भाई खान, अब्दुल खान। हाँ, तो तू क्या बोल रहा है कि आमिर हक के चैनल में तू तांडव करेगा? तेरे चैनल में आके हम तेरे को ठोक दे। झाटू, तू पहले अपने हमारे टॉपिक पे बात कर, अपनी बात कर। तेरी अम्मी का हलाला किया था क्या आमिर हक ने, जो तू इतना फैन बना घूम रहा है उसका? तू अपनी बात करना, तू अपना इस्लाम बचा, तेरी कब्र में तू जाएगा, आमिर हक थोड़ा ही जाएगा बंदर। तू अपने इस्लाम पे बात कर। देख, तेरी गाड़ में नहीं है कि... देख, मेरी जी में कितना दम है ये तुझको अच्छे से पता चल रहा होगा, लेकिन तेरी गाण में कितना दम है ये मैं अभी देख सकता हूँ। अगर तेरी गाण में दम है तो तू मेरे से फेस टू फेस बात कर कैमरा खोल के, नहीं तो तू हिजड़ा, तू छक्का। बता, राम की कितनी बीवियां थी? 16,000। जितनी तेरे रसूल अल्लाह की थी ना, उससे उससे ठीक 12 कम थी। अब तेरे रसूल अल्लाह की 13 थी तो 12 कम माइनस हुआ तो 1। श्री राम की एक ही पत्नी थी, उनका नाम सीता है, इसलिए उनको सियावर कहा गया है। सियावर का मतलब यह है कि सिया के पति। डंगर, गूगल पे सर्च कर ले, 16,000 दिया हुआ है। अगर तूने मुझे कहीं भी दिखा दिया गूगल पे सर्च करके कि राम की 16,000 पत्नी थी, मैं अभी सनातन छोड़कर इस्लाम में आ जाऊंगा। शो कर रेफरेंस। शो कैसे, मेरे पास तो वो नहीं है ना, मैं तो मोबाइल से कर रहा हूँ। गूगल अब खुद ही है। मैं गूगल तेरे सामने खोलता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ और तुम मुझे बता देना क्या लिखना है, ठीक है? ये ले, तुम्हारी औकात दिखाते हैं। रुको भाई, औकात की तू बात मत कर। अरे चुप कर जा। देख, ये मैंने गूगल खोला, स्क्रीन शेयर हुई, यहाँ पे मैं लिखता हूँ राम, एक मिनट, श्री, अरे लिख शैतान, शैतान यार था तेरी माता यार था क्या वो जो शैतान बोल रहा है? मादर चोद गया जहन्नुम में गया तुम्हारा सब। हाँ, तू मेरे इस पे एल पे, जो मेरा एल है ना नीचे वाला, उस पे बैठ और मैं तेरे सामने लिख रहा हूँ। झाटू अब भागना नहीं। श्री राम जी की कितनी पत्नियां हैं, सर्च किया मैंने, तेरे सामने आया। वैष्णव मन के अनुसार तो राम जी के केवल एक ही पत्नी सीता थी। तेरा गूगल बता रहा है एक ही। इंटरनल में वेबसाइट बनाई हुई है, गूगल पे तू सर्च कर, गूगल में तेरे को मिल गया। अबे चूती है, ये मैंने गूगल पे ही सर्च किया है। भौंक मत कुत्ते के बच्चे, मैं तेरे को ये कह रहा हूँ, ये मैंने गूगल पे ही सर्च करके तेरे सामने रखा है, तेरे सामने टाइप करके सर्च किया है, राम जी की एक ही पत्नी सीता थी। अब तू मुझे दिखा दे 16,000 के अंदर लिखा हुआ है। कितने जाहिल, कितने जलील हैं ये लोग, इनको खुद के दीन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इन्होंने अपने दीन की किताबों को कभी खोल कर देखा तक नहीं होता है। इनके मुल्लाओं ने इनको जो चूरन दे दिया उसी को जीवन भर चाटते रहते हैं, पर दूसरों के दीन धर्म पर विशेषज्ञ बनने की कोशिश करते हैं। कृष्णा की कितनी बीवियां थी ये बता मुझे। कृष्णा की एक थी,
सिर्फ एक 16,000 टाइप करें जरा, दिखा ना, दिखा दिखा ना, दिखा मेरे पास रिमोट थोड़ी है। क्यों राम पे खत्म हो गया, राम पे खत्म हो गया बात, राम पे नहीं बात करनी अभी, अब राम से भाग गया, राम से नहीं भाग गया भाई, है ना 16,000 की हम बीवियां नहीं तो तू नहीं तो पहले अब पहले अब कृष्णा जी पे जाने से पहले अब तू ये बोल कि हाँ राम जी की एक ही पत्नी थी, मैंने झूठ बोला, चल बोल। गूगल पे है ना तेरा पर्सनल एजेंडा होगा। अबे झाटू, ये गूगल ही सर्च किया मैंने तेरे सामने, इसको गूगल ही बोलते हैं, ये क्या है बे, GOOGLE, ये गूगल ही नहीं है, ये गूगल ही है। गूगल पे मैंने लिखा श्री राम जी की कितनी पत्नियां हैं, उसके बाद मैंने इसको सर्च किया, सर्च करने के बाद इसने कहा वैष्णव मत के अनुसार राम जी की दिखा दे एक ही पत्नी है, और कौन, तेरा कोई स्पेशल गूगल है भाई, तेरा इंडिया वाला गूगल है। क्यों भाई, ठीक है इंडिया वाला गूगल तू खोल रहा है, अपना खुद का अच्छा, है ना तूने। अच्छा इन लोगों की खोपड़ी में दिमाग नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, इस बंदे ने पूरी तरह साबित कर दिया है। अरबों की ये जहनी गुलाम जिस तरह खुद होते हैं वैसे ही दूसरों को समझते हैं, सच में समझ में ही नहीं आता है खुदा इनको ऐसा ही पैदा करता है या ऐसा बनने के लिए इनको कोई डिग्री या डिप्लोमा लेना पड़ता है। अच्छा चल, मोहम्मद साहब की कितनी पत्नी आती है अब ये बता दे। क्यों बावसीर हो गया क्या तेरे को? हाँ भाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह की कितनी बीवियां? भाई तेरे को तो है ना तेरे पास में कोई नॉलेज है ना कुछ है। अरे गधे, मैं तुझसे गधे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, ठीक है मेरे पास, ठीक है मेरे पास, तू अपना एड्रेस दे, तेरे को लीगल नोटिस भेजता हूँ। रसूलुल्लाह की कितनी, समीर भाई आवाज नहीं आ रहा है, समीर भाई तू जो इतना उड़ता है तू अपने ना घर का एड्रेस दे, तेरे को लीगल नोटिस भेजता हूँ। साले सुप्रीम कोर्ट में है ना, जेल में है ना, चक्की पिसिंग करेगा ना तब तेरे को याद रहेगा। अरे भाई तेरी भाई आवाज कट रही है, तू क्या बोल रहा है मेरे को ये बता दे खान, क्या बोल रहा है वो? आपके एड्रेस मांग रहा है और बोल रहा है कि आपको चट्टी पीसेगा वो जेल में जाके, ये बोल रहा है लीगल नोटिस है ना तेरे को भेज। हाँ तो जाओ, हाँ तो जाओ जाकर। अबे अबे चूतिए सुन मेरी बात, तेरे को जो भेजना है ना तो वो भेज दे, अगर अपनी छोटी बहन को भेजना चाहता है तो उसको भी भेज दे, उसको भी रख लेंगे हम, ठीक है? जो भेजना चाहता है वो भेज दे, मेरी नीचे के जो बाल है ना उनकी शेविंग कर दे आकर के, बड़े हो गए हैं, उसी के लायक हो तुम लोग, समझ गया? मैं वृंदावन में नहीं रहता चूतिया, मैं रहता हूँ देहरादून में, और तेरी औकात है तो आ जा, अगर तेरी औकात है तो देहरादून आई स्वीटी पहुंच करके अपने बाप को इस नंबर पे कॉल कर लेना, मैं तेरे को नंबर दे रहा हूँ, अपने अब्बू को फोन करके बता देना कि मैं आई स्वीटी पे खड़ा हुआ हूँ देहरादून में, लोकेशन शेयर कर देना, अगर तेरा पिछवाड़ा मैंने वहीं से लाल करना शुरू ना किया और थाने तक ना लाल किया ना तो मेरा नाम भी सिद्धार्थ नहीं है, तो आ। तो तुम्हें क्या लगता है भाई चूतियो, तुम आकर के मेरे को धमकी दोगे मैं डर जाऊंगा? मैं जिस दिन अपना घर छोड़ा था ना और जिस दिन सलाम छोड़ा था उस दिन मर गया था मैं, समझ गया? मैं मौत मैं अपने आप को मुर्दों में गिनता हूँ, जिंदों में नहीं गिनता, तो तुम मेरे को क्या मारोगे भाई जो पहले ही मरा हुआ है? तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।